मैं कभी हारता नहीं, या तो जीतता हूं या जीतता हूं। आप सबका स्वागत है, मैं विवेक बिंद्रा, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, कॉर्पोरेट ट्रेनर। आज हम हिंदी की इस मोटिवेशनल कार्यशाला में आपका स्वागत करते हैं, जिसमें हम सफलता के तीन सूत्रों के विषय में चर्चा करना चाहते हैं। एक एक करके हम सफलता के इन तीन सूत्रों पे चर्चा करेंगे, और पहला सूत्र आज का है जिम्मेदारी की शक्ति। जितने भी लोग जीवन में आगे बढ़े हैं, सफल होने के लिए जिम्मेदारी की शक्ति को उन्होंने जरूर अपने जीवन में उतारा होगा, इस सफलता के सूत्र को। जिम्मेदारी ही एक ऐसी चीज है जो कभी दी नहीं जाती, केवल ली जाती है। जिम्मेदारी ही एक ऐसी चीज है जो कभी दी नहीं जाती, केवल ली जाती है। जिम्मेदारी ही एक ऐसी चीज है जो कभी दी नहीं जाती, केवल ली जाती है। आप जिम्मेदारी किसी को दे नहीं सकते अगर आप लेने को तैयार नहीं है। मैं वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़ रहा था एक दिन, और सब बोल रहे थे जय माता दी। मेरे बाईं तरफ एक लड़की चल रही थी जिसकी पीठ पे एक 12 साल का लड़का था जो अपाहिज था, और दाईं तरफ एक साधु चल रहे थे जिनकी पीठ पे बड़ी पोटली थी। सब बोल रहे थे प्रेम से बोलो जय माता दी, और वो साधु चलते चलते बेटी को देखा, लड़की को देखा, वो भांप रही थी, उस लड़के को पाहिज को दर्शन कराने ले जा रही थी ऊपर। तो साधु ने उससे कहा, बेटी थक गई होगी, बहुत बोझ उठा रखा है। बेटी तुम थक गई होगी, बहुत बोझ उठा रखा है। लड़की ने जो जवाब दिया मैं भूलता नहीं, लड़की कहती है बाबा बोझ तो आपने उठा रखा है पोटली का, ये तो मेरा भाई है। बोझ तो आपने उठा रखा है पोटली का, ये तो मेरा भाई है। जिम्मेदारी एक ऐसी चीज है जो कभी दी नहीं जाती, केवल ली जाती है। जिम्मेदारी लेने वाले लोग बहुत तेजी से प्रगति करते हैं, और उनकी प्रगति हर जगह, ये एक सिद्धांत है। ये भगवत गीता में कृष्ण ने भी इस पे बहुत चर्चा की अर्जुन के साथ, सर्वत्र सर्वदा सर्ववस्था सु। सर्वत्र मतलब सभी जगह पे, सर्वदा मतलब हमेशा हर समय, सर्ववस्था तू मतलब हर परिस्थिति के अंदर। ये जिम्मेदारी लेने वाले लोग प्रगति करते ही करते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में ये कंपनी जो है मारुति सुजुकी, यहां पे एक वर्कर काम किया करते थे, ईश्वर सिंह, ये वर्कर के लेवल पे थे, और इन्होंने बहुत जिम्मेदारी ली और देखा कि उनके अंदर प्रगति करने की बहुत क्षमताएं थी। उन क्षमताओं को उन्होंने कैपिटलाइज किया, उनके बेसिस पे आगे बढ़े। आज सब जानते हैं ईश्वर सिंह हरियाणा नाम की इस कंपनी के मालिक हैं, जो करोड़ों करोड़ों का, कई करोड़ों हजारों करोड़ों का टर्नओवर कर रही है। एक वर्कर से एक कंपनी के सीएमडी चेयरमैन होने तक इन्होंने जो शुरुआत की, ना इनके पास खेत थे, ना पैसा था, ना धन था, ना किसी और की इनके पास में कोई सपोर्ट था। एक ऐसे स्तर से ही उठ करके निकले जो कि अपने आप में बहुत सराहनीय है। तो एक ये क्रांतिकारी जो परिवर्तन जीवन में आया, ये किससे आया? केवल एक सिद्धांत है जो हर एक व्यक्ति को समझना चाहिए अपने जीवन में, जिम्मेदारी की शक्ति। सफलता के कई सूत्रों में आज हम आपके साथ दूसरा सूत्र लेने जा रहे हैं, और दूसरा सूत्र है आभार पत्रिका। आभार पत्रिका, या तो आप भारी होंगे या आभारी होंगे, आभार पत्रिका ये वो पत्रिका है जो आपको रोज शाम को सोने से पहले 15 मिनट लिखना चाहिए कि आज मेरे जीवन में अच्छा क्या हुआ, आज मेरे जीवन में क्या अच्छा घटित हुआ। जानते हैं, या तो व्यक्ति आभारी होगा या भारी होगा। आभार व्यक्ति, आभार प्रकट करने वाला व्यक्ति हमेशा बहुत हल्का महसूस करता है, और वो कभी चिंता नहीं करता, चिंतन करता है। वो चिंता मुक्त या चिंता युक्त, वो कभी चिंता युक्त नहीं होता, वो चिंता मुक्त होता है। वो चिंता नहीं करता, वो चिंतन करता है। चिंता ऐसी डाकनी, काट कलेजा खाए वैद्य बिचारा करे, कब तक दवा लगाए। इसलिए यह हमेशा कहा गया है कि आभार व्यक्त करने में कभी देर नहीं लगानी चाहिए। आभार पत्रिका, ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग कहते हैं जो भी मेरे पास है सब बकवास है, और कुछ लोग कहते हैं जो भी मेरे पास है मेरे लिए खास है। आप क्या चाहते हैं? आपके आसपास क्या है, सब बकवास है या खास है? यह आपको ढूंढना होगा। और जो लोग सब बकवास देखते हैं उनका व्यवहार भी बकवास हो जाता है, उनका विचार भी बकवास हो जाता है, और जो लोग सब खास देखते हैं उनका विचार भी खास हो जाता है, उनका व्यवहार भी खास हो जाता है। ऐसे लोग प्रगति तेज करते हैं, मन में शांत होते हैं, सुख और समृद्धि इनके लिए अपने आप स्वतः ही आती है। इसलिए दूसरा सफलता का सूत्र क्या है? आभार पत्रिका। रोज 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 अपने दिनचर्या में डाल दीजिए, सोने से पहले 15 मिनट करके लिए रोज लिखिए कि आज मैं किसको धन्यवाद करना चाहता हूं। रोज कम से कम 5 लोगों को धन्यवाद करिए। धन्य महसूस करेंगे तो आपका ग्रोथ अपने आप होगा। अंग्रेजी में कहते हैं या तो आप ग्रेटफुल होंगे या आप ग्रेटफुल होंगे। ग्रेटफुल नहीं बनना है, ग्रेटफुल बनना है। हमारे को आभार व्यक्त करना है रोज शाम को 15 मिनट सोने से पहले। सफलता के कई सूत्र हैं, पर आज हम सफलता के तीसरे सूत्र की आपसे चर्चा करने जा रहे हैं, और तीसरा सफलता का सूत्र है जिंदगी चुनावों का परिणाम है। जिंदगी चुनावों का परिणाम है। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, लोकसभा के या राज्यसभा के चुनावों की बात नहीं कर रहा मैं, आपके जीवन के चुनावों की बात कर रहा हूँ। जिंदगी चुनावों का परिणाम है। आप अपने जीवन में अपने कौन से विचारों को चुनते हैं, आप अपने जीवन में अपने किस प्रकार के व्यवहार को चुनते हैं, इसका चुनाव करने की क्षमता आपके पास है। पर आप क्या करते हैं? आप परिस्थिति को दोष देते हैं, आप मनस्थिति में सुधार नहीं लाते हैं। आप परिस्थिति को दोष देते हैं, मनस्थिति में सुधार नहीं लाते हैं। चुनाव करना ये आप ही का चुनाव है। चुनाव करने के लिए किसी और पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं। अगर आप अपने जीवन में परिवर्तन
परिवर्तन लाने को तैयार नहीं तो कोई नहीं ला सकता है। एक खूबसूरत बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। कहते हैं कि मैं लगा रहा था उम्र परिस्थितियां बदलने को गालिब, मैं लगा रहा था उम्र परिस्थितियां बदलने को गालिब, जिस दिन मनस्थिति बदली उसी वक्त परिस्थितियां बदल गई। तो जानते हैं परिस्थितियां बदलने के लिए परिस्थिति मत बदलिए, परिस्थितियां बदलने के लिए पहले मनस्थिति बदलिए। जिस दिन मनस्थिति बदलेगी परिस्थितियों पर खुद ब खुद असर आ जाएगा। लोग परिस्थितियां बदलना चाहते हैं, लोग अपना बॉस बदलना चाहते हैं, कोई शॉप फ्लोर बदलना चाहता है, कोई अपनी वाइफ बदलना चाहता है, कोई अपनी लाइफ बदलना चाहता है। जिंदगी चुनावों का परिणाम है। अच्छे विचार का चुनाव करिए, अपनी मनस्थिति बदलिए, परिस्थिति खुद ब खुद बदल जाएगी। अपनी मानसिकता को बदलिए, वास्तविकता खुद ब खुद बदल जाएगी। इसीलिए जिंदगी चुनावों का परिणाम है। सफलता का ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। कई कठिनाइयां आएंगी आपके जीवन में, कई कठिनाइयां आएंगी, आप गिरना चाहेंगे या खड़े हो जाएंगे, गिवअप करेंगे या गेटअप करेंगे, ये आपको चुनना है, किसी और को नहीं चुनना है। जिंदगी चुनावों का परिणाम है। आप सीखना चाहते हैं या दोष लगाना चाहते हैं, ये चुनाव आपका है। कठिन परिस्थिति के अंदर कुछ लोग दोष लगाते हैं और कुछ सीखना शुरू कर देते हैं। आप सीखना चाहेंगे या दोष लगाना चाहेंगे, ये चुनाव भी आपका है। कठिन परिस्थिति को आप कैसे देखते हैं? कठिन परिस्थिति आपके लिए एक मजबूरी है या जरूरी है? जिस व्यक्ति के लिए मजबूरी है, कंधे झुक जाएंगे, शरीर झुक जाएगा, परेशान होगा, कमजोर होगा, दुखी लगेगा। लेकिन जो कहेगा नहीं नहीं ये चुनौती है, जरूरी है, ये जरूरी है, कठिनाई नहीं है ये चुनौती है, कठिनाई नहीं है ये चुनौती है। अच्छे शब्दों का चुनाव किया, चुनाव अच्छे विचारों का किया, चुनाव अच्छे शब्दों का किया। जो लोग कहते हैं परेशानी है वो परेशान हो जाते हैं, और जो लोग कहते हैं चुनौती है वो खड़े होकर सामना करते हैं। अच्छे शब्दों का चुनाव करिए, जिंदगी चुनावों का परिणाम है। ये बहुत बड़ा सफलता का सूत्र है, जिंदगी चुनावों का परिणाम है। एक और चुनाव आपको देखना है कि आपको करना है। जिंदगी आपके लिए बंधन है या बंदिश है? जिस कंपनी में आप नौकरी करते हैं यह आपके लिए बंधन है या बंदिश है? जिस व्यक्ति के लिए यह नौकरी बंदिश हो जाएगी ही, वो व्यक्ति हमेशा दो बार पंच, एक बार लंच, लाइफ है टंच, इसी प्रकार बोलेगा। लेकिन जो व्यक्ति के लिए यह नौकरी बंधन हो जाएगा, उसके लिए वो यहां पे जीवन समर्पित करेगा और यहां से मैक्सिमम लाभ भी लेकर के जाएगा। जानते हैं कंपनी में ग्रोथ भी होती है आउट ऑफ टर्न, ऐसे आदमी की जो जिंदगी को, जो रिश्तों को बंधन की तरह निभाता है, बंदिश की तरह नहीं। और वो खुद भी सबसे पहला लाभ तो उसको स्वयं को होगा, क्योंकि उसको मानसिकता, उसकी प्रसन्नता हमेशा, उसकी हमेशा सबसे ऊपर रहेगी। तो जिंदगी चुनावों का परिणाम है। मैंने जैसे बताया जिंदगी चुनावों का परिणाम है। अगला चुनाव आपको करना है कि ये कठिनाइयों को आप क्या कहना चाहेंगे, ये पहेली है या समस्या है, ये पहेली है या समस्या है। अगर आपने कहा पहेली है तो सॉल्व कर लेंगे, और अगर आपने कहा समस्या है तो प्रश्न चिन्ह बन जाएगा। जिंदगी चुनावों का परिणाम है। जिंदगी चुनावों का परिणाम है। आपको जिंदगी क्या लगती है, एक मौका लगती है या मुसीबत लगती है? आपको चुनना है। जिंदगी चुनावों का परिणाम है। ये विचार आपको चुनने हैं, ये विचार आपको चुनने हैं। हाँ, जिंदगी चुनावों का परिणाम है। आप अपने संस्कारों को चुनिए। आपके संस्कार से बनता है आपका विचार, आपके विचार से बनता है आपका व्यवहार, आपके व्यवहार से आता है आपका आचार, आपके आचार से बनता है आपका प्रचार, आपके प्रचार से बढ़िया होता है आपका व्यापार। तो पहले संस्कार और फिर आता है विचार, और उससे बनता है व्यवहार, और उससे बनता है आचार, और फिर होगा प्रचार, और तभी आएगा व्यापार। अगर बढ़िया व्यापार चाहते हैं तो बढ़िया संस्कार और विचार ठीक करना होगा। जिंदगी चुनावों का परिणाम है। चुनना आपको है, आपके लिए कोई और नहीं चुनेगा। लोग कहते हैं मुझे मौका नहीं मिला, मुझे अवसर नहीं मिला। ये मौका और अवसर आपको कोई नहीं देगा, ये आप ही को अपने आप उठाना है। जिंदगी चुनावों का परिणाम है। तो आज हमने सफलता के 3 सूत्रों की चर्चा करी। सीखने की इच्छा आपके अंदर होनी चाहिए। पढ़े लिखे होने से अच्छा है पढ़ते लिखते रहना। देखिए स्लाइड पे ध्यान से, पढ़े लिखे होने से अच्छा है पढ़ते लिखते रहना। अनपढ़ वो नहीं है जो पढ़ नहीं पाते हैं, बल्कि अनपढ़ वो है जो सीखना नहीं चाहते हैं। अनपढ़ वो नहीं है जो पढ़ नहीं पाते, अनपढ़ वो है जो सीखना नहीं चाहते। पढ़े रहने से अच्छा है कुछ पढ़ लेना, पढ़े रहने से अच्छा है कुछ पढ़ लेना। अगर ऐसे ही पढ़े रहोगे तो आगे चल के और पढ़ेगी। इसीलिए पढ़े लिखे होने से अच्छा है पढ़ते लिखते रहना। क्या चाहेंगे आप, सीखना चाहेंगे या दोष लगाना चाहेंगे? इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और सफलता के और सूत्रों को लगातार देखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।